What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं accounting for companies. और accounting for companies में जो सबसे पहला chapter है वो है issue of shares. ठीक है, partnership में हमारा एक dissolution रह रहा है और dissolution मुझे बच्चों ने बोला था कि हमारा साथ साथ ही चला दो और बट issue of shares शुरू करा दो. तो मैंने कहा ठीक है यार, हम साथ साथ कर लेंगे. तो आज issue of shares शुरू करेंगे. इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू कि आपको इशू ऑफ शेयर्स मेरी वीडियोज़ करने के बाद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है. तो मेरे साथ साथ करना. एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा और बिल्कुल बेसिक से छोटी चीज़ हम कवर करके चलेंगे और मेरी गारंटी है कि आपके इसके अंदर अच्छे नंबर आ जाएंगे. बस मेरे साथ साथ करना, कोई भी वीडियो मिस मत करना, सारी चीज़ें लिख के चलना और प्रैक्टिस करना. चलिए लेट्स बिगिन. चलो यार शुरू करते हैं. सबसे पहले है क्या ये टॉपिक क्या है? आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे. अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. जब भी हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की बात करते हैं बच्चा, तो इसके अंदर हमारे पास तीन चैप्टर्स हैं जो आते हैं, राइट? सबसे पहला है इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर्स और तीसरा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो मैक्सिमम हमारे जो बोर्ड्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो कुछ स्टेट बोर्ड्स हो, मैक्सिमम बोर्ड्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो चैप्टर्स ही हमें कवर करने हैं. बट देर आर सर्टेन बोर्ड्स जिनके अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आ रहा है. तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैं अपने दूसरे वाले जो स्टेट बोर्ड वाला चैनल है उस पर कवर करूंगा. तो तुम लोग स्ट्रेस मत लेना अगर तुम सीबीएसई से अदर किसी बोर्ड में भी हो और तुम्हें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ रहा है. मुझे पता है कोई नहीं करा रहा है, तो तुम स्ट्रेस आउट मत हो, मैं कराऊंगा. एक एक चीज कवर करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है? तो उस चैनल पर मैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आपको कराऊंगा. बट पहले हम अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स. इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद ये फॉर अदर स्टेट बोर्ड्स मैं डेफिनेटली कवर करूंगा, तो चिंता मत करना, ठीक है? आओ जी, अब हम आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स. आज बिल्कुल बेसिक्स इसके समझेंगे, चीजें अच्छे से नोट डाउन करेंगे और परफेक्शन के साथ अपने बेसिक्स तैयार करेंगे. सर, व्हाट इज एक्चुअली इशू ऑफ शेयर्स? इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं? देखो समझो, हमारे पास कोई भी कंपनी अगर है उसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? मैंने आपको बोला कि एक कोई कंपनी है और इस कंपनी को पैसे की ज़रूरत है. तो इस कंपनी के पास पैसा रेज करने के दो ऑप्शंस होते हैं. या तो होते हैं ऑनर्स फंड्स. ऑनर्स फंड्स का मतलब होता है कि वो पैसा रेज कर सकता है और जिससे वो पैसा लेगा वो इंसान मालिक बनेगा, ठीक है? या फिर होता है बोरोड फंड्स. बोरोड फंड्स होता है कि आप जिससे पैसा लोगे वो मालिक नहीं बनेगा, वो आपका क्रेडिटर बनेगा. यानी बस आपने उससे लिया है कुछ टाइम के लिए पैसा और फिर आप उसको वापस कर दोगे जब आपका रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो बोरोड फंड में यूजुअली क्या होता है, बोरोड फंड में यूजुअली लोन्स होते हैं. बैंक लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, यानी पब्लिक से लोन ले लिया, ये चीजें होती हैं. ऑनर्स फंड्स में क्या होता है, ऑनर्स फंड्स में हमारे शेयर्स होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं. रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब आपकी सेविंग्स हो गई, राइट? तो या तो आप अपनी खुद की सेविंग्स यूज कर सकते हो बिजनेस को फंड करने के लिए, या फिर आप शेयर इशू कर सकते हो. शेयर का मतलब ही क्या है? देखो, शेयर को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो शेयर का मतलब है हिस्सा, है ना सर? हिस्से का मतलब, हिस्से का मतलब एक पार्ट. यानी आप हमारी कंपनी में अगर पैसा लगाओगे तो आपको इस कंपनी का ऑनरशिप में एक पार्ट मिलेगा. सपोज इस कंपनी में 100 लोग हैं, 100 मालिक हैं. अब आपने पैसा लगाया तो अब इस कंपनी के 101 मालिक हैं. जितना आपने पैसा लगाया उतने रुपए के आप भी मालिक हो. तो जब भी कोई इंसान शेयर खरीदता है तो वो क्या बनता है, ऑनर बनता है, ठीक है? वो क्या बनता है, ऑनर बनता है. और जब भी कोई इंसान डिबेंचर खरीदता है, तो डिबेंचर का मतलब बोरो करा है वो पैसा, वो हम वापस कर देंगे. तो वापस करेंगे तो ये लोग क्या बनते हैं, क्रेडिटर बनते हैं.
क्रेडिटर का मतलब जिनसे लोन लिया जाता है, जिनका पैसा देना है, राइट? परफेक्ट है या नहीं है? तो अब आपको समझ में आ गया कि शेयर खरीदने वाले इंसान को ओनरशिप राइट्स मिलती हैं। ओनरशिप राइट्स का मतलब कि एक शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड एज ओनर। शेयर होल्डर क्या कंसिडर करा जाता है? ओनर कंसिडर करा जाता है, मालिक कंसिडर करा जाता है, ठीक है? अब जो पैसा आपने लगाया है, जो पैसा शेयर होल्डर ने लगाया है कंपनी में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। तो एक नई टर्म आई, टर्म क्या है? शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल क्या होगा? द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर, है ना? जो भी पैसा शेयर होल्डर ने लगाया है उसको हम क्या बोल देंगे? शेयर कैपिटल बोल देंगे। सीधी सीधी सी बात है, राइट? अब ये जो शेयर कैपिटल है ये कई तरीके की होती है। शेयर कैपिटल मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, ठीक है? तो ये जो शेयर कैपिटल है ये कितने तरीके की होती है? आ जाओ, इसके मेनली तीन तरीके होते हैं। सबसे पहली होती है बच्चों ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरी होती है इशूड शेयर कैपिटल। तीसरी होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है? तो हमारे पास तीन काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल आ गई। द फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड, सेकेंड वन इज इशूड, थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड। वन बाय वन समझो। ऑथोराइज्ड का क्या मतलब होता है? ऑथोराइज्ड का मतलब ये होता है बेटा जी कि एक वो शेयर कैपिटल जो कंपनी अपने MOA में लिखेगी। सर व्हाट इज MOA? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, जिसके अंदर कंपनी कुछ मल्टीपल चीजें लिखती है, जैसे कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ होगा, है ना, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, यानी कंपनी क्यों फ्रेम करी जा रही है, क्या पर्पज है, कंपनी के गोल्स क्या है, है ना, कंपनी में कैपिटल कितना होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, किस नाम से जानी जाएगी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। MOA यूजुअली बनाना कंपलसरी होता है, हर कंपनी के पास MOA होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा ही होगा, ठीक है ना? अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज में जिसमें लिखा जाता है कि कंपनी की कितनी कैपिटल होगी, कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कितना कैपिटल रेज करेगी बाहर से, यानी कंपनी कितने के शेयर्स इशू करेगी। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल लिखी होती है, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि हम लोग 10 लाख शेयर रेज करेंगे या इशू करेंगे, कितने का एक होगा? 100 रुपए का एक होगा। ये मैंने किसमें लिखा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा, MOA में लिखा। MOA किसी भी कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मैंने इसमें लिखा कि 10 लाख शेयर होंगे, 100 रुपए का एक होगा, तो मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की हो गई? 10 करोड़ की हो गई। इसका मतलब मैं अपनी लाइफ टाइम में एज अ कंपनी 10 करोड़ रुपए जनता से रेज करूंगा, ठीक है? मतलब मैं जनता को बोलूंगा कि हमारे 10 लाख शेयर हैं, 100 रुपए का एक है, जो जो खरीदना चाहता है वो खरीद सकते हैं। तो टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा? 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। सर क्या ये कम ज्यादा हो सकती है बाद में अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई? यस, आप इसको चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है? लेकिन एक बार आपके जो मेमोरेंडम में लिखी होगी उसको ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। सर इसका क्या हमारे क्वेश्चन से कोई लिंक है? नहीं, आपके क्वेश्चन से ऑथोराइज्ड कैपिटल का कोई लिंक नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो 10 लाख शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो कंपनी को ये तो ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ऑफर करने हैं ना, तो कंपनी सारे ऑफर नहीं करती एक साथ, थोड़े थोड़े करके ऑफर करती है, ठीक है? लेट सपोज 2023 में कंपनी ने ऑफर करे 1 लाख शेयर्स, 10 लाख थे, कंपनी ने ऑफर करे 1 लाख शेयर्स 100 रुपए का एक, इसका मतलब कंपनी अभी 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहती है। कंपनी को 10 करोड़ नहीं चाहिए फिलहाल, 1 करोड़ चाहिए, तो लाइफ टाइम के लिए है ना। तो कंपनी ने मार्केट में बोला, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाया, ऑनलाइन ऐप्स पे बताया कि भैया 1 लाख शेयर हम ऑफर कर रहे हैं, 100 रुपए का एक है, जिसको जितने खरीदने हैं खरीद लो। अब मैंने बोला भैया मुझे 5 शेयर चाहिए, तो मुझे बोलेंगे 5 × 100 500 भेज दो।
चिंटू ने बोला मुझे 10 शेयर चाहिए, तो चिंटू को बोलेंगे 10 × 100 1000 रुपये भेज दो। चिंटी ने बोला मुझे 20 शेयर चाहिए, तो उसको बोलेंगे 20 × 100 2000 रुपये भेज दो। तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जिसको जितने शेयर चाहिए वो कंपनी से ले सकता है, राइट। तो अब कंपनी के पास ज्यादा शेयर्स की भी डिमांड आ सकती है, कम शेयर्स की भी डिमांड आ सकती है। कंपनी कितने शेयर ऑफर कर रही है? कंपनी ऑफर कर रही है 1,00,000 शेयर्स, है ना। कंपनी ऑफर कितने कर रही है? 1,00,000 शेयर्स। इसको आप इस तरीके से भी समझ लो कि सपोज मैं इस क्लासरूम में पढ़ाता हूं और इस क्लासरूम में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 20 सीट्स हैं और मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, ये मेरा बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं ऑफर कितनी कर रहा हूँ? 20 सीट्स ऑफर कर रहा हूँ। तो एक तरीके से इशूड कैपिटल यही होती है कि कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर रही है। अब हो सकता है मेरे पास 15 ही बच्चे पढ़ने के लिए आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो सकता है बस 15 ही आए, हो सकता है 20 के 20 आ जाए और हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, राइट। तो जितने के लिए पब्लिक ने डिमांड करी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड क्या है? जो मेमोरेंडम में लिखा है कि भैया इतने रुपए के शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कंपनी ऑफर करेगी, उसको हम ऑथोराइज्ड बोलते हैं। इशूड क्या है? जितने पब्लिक को ऑफर करे गए हैं, इशू करे गए हैं। सब्सक्राइब्ड क्या है? सब्सक्राइब्ड वो है जितने के लिए जनता ने डिमांड रखी है, जनता ने अप्लाई करा है, राइट। अब ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। सर तीन क्या हो सकती हैं? अब इसको समझने के लिए ये वाला एग्जांपल ले लो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम में, है ना। तो मेरे पास 20 सीट्स हैं, राइट। एक तो होता है कि 20 की 20 भर गई, 20 की 20 भर गई, मैंने 20 सीट्स ऑफर करी थी, 20 ही बच्चे आए, तो इसको क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में है कि 1,00,000 के 1,00,000 शेयर बिक गए, 1,00,000 शेयर ऑफर कर रहे थे ना, सारे बिक गए, इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। एक होता है बेटा जी अंडर सब्सक्रिप्शन। सर अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है हमारे पास कि कम लोगों ने अप्लाई करा, 1,00,000 में से 95,000 शेयर ही बिके, 92,000 शेयर ही बिके, 93,000 शेयर ही बिके। ये याद रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन में कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%, यानी आप जितने भी शेयर्स ऑफर कर रहे हो 90% शेयर्स बिकने जरूरी हैं। अगर नहीं बिके तो आप एक भी शेयर ऑफर नहीं कर सकते, सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। देयर शुड बी बेयर मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन जो होना कंपलसरी है, ठीक है, परफेक्ट है। फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तीसरी चीज होती है ओवर सब्सक्रिप्शन। सर व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है ज्यादा के लिए डिमांड आना। जैसे मेरे पास 20 चेयर्स थी, बच्चे आ गए पढ़ने के लिए 22, 25, 30, अब क्या करूंगा मैं? मैं 20 को ही दे सकता हूँ सीट्स, तो मैं किसी ना किसी तरीके से अरेंजमेंट करूंगा। वो अरेंजमेंट अभी आप आगे सीखोगे, उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि 1,00,000 शेयर ऑफर करे, पब्लिक की डिमांड आई 1,20,000 शेयर की, 1,30,000 शेयर की, 1,50,000 शेयर की, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे वो हम अभी आगे सीखेंगे। तो तीन चीजें होती हैं, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये चीज समझ में आई? ठीक है, परफेक्ट है बच्चा। अच्छा जी, अब देखो मैंने क्या बोला, 1,00,000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है। 1,00,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए का एक है? 100 रुपीज का एक है। तो यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, अभी हमारे रिस्पेक्ट में जो हमें पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि कंपनी 100 रुपए को एक बारी में नहीं लेगी। कंपनी ये बोलती है कि मुझे अपने शेयर होल्डर के ऊपर बर्डन नहीं डालना, तो हम इसको ब्रेक करके लेंगे। तो कंपनी बोलेगी भैया ऐसा है कि 100 में से 10 रुपए तो आप दिसंबर में ही दे दो, सपोज दिसंबर में ऑफर करे जा रहे हैं, ठीक है। अगले 20 रुपए जनवरी में लेंगे हम, अगले 30 रुपए हम फेब में लेंगे, और अगले 40 रुपए हम मार्च में लेंगे। तो कंपनी आपसे लेगी पूरे 100 रुपए, लेकिन एक बारी में नहीं ले रही, कंपनी ने उसको ब्रेक कर दिया, 100 रुपीज को एक बार में ना लेके ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर एक बार में ले ले तो उसको हम बोलते हैं लमसम,
अगर एक बार में ले ले तो उसको बोलते हैं लमसम। लमसम मीन्स एक बार में सारा पैसा लेना, एक बार में सारा पैसा लेना। क्या सर ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस में आपको इस तरीके की कैटेगरीज बनी होंगी कि 100 रुपये को इस तरीके से लिया, 10, 20, 30, 40। तो जो सबसे पहला होता है, जो सबसे पहला होता है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। इसको क्या बोला जाता है बेटा जी? एप्लीकेशन मनी। ठीक है, जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे अलॉटमेंट मनी। इसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। जो तीसरा होता है और चौथा होता है इसके बाद जो भी आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं कॉल्स, राइट? जैसे इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल, इसको बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल क्यों लगाया? क्योंकि पूरे हो गए यहाँ पे पैसे। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, एंड देन वी हैव कॉल्स। कॉल्स 1, 2, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, नहीं है जैसे कंपनी ने बोला कि हम यहाँ पे 10 लेंगे, यहाँ पे 20 लेंगे, फिर यहाँ पे 20, 20, 20, 60 चाहिए थे ना, या आगे भी बढ़ा सकते हैं, 70 चाहिए थे, 10 और 20 30 आए थे। तो सपोज ये 30 ही हैं, अगली वाली ये 40, 20, 20, दो बारी मिलेंगे 20, 20। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, एंड देन वी हैव कॉल्स। इनको ऐसे बोला जाता है। सही है, परफेक्ट है, ठीक है ना? तो हमारे पास ये कैटेगरी हो गया, एप्लीकेशन मनी होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर फर्स्ट कॉल होगा, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल होगा। ठीक है, अब दो चीजें समझो कि हमारे पास सब्सक्राइब्ड में दो कैटेगरीज होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। यानी जनता ने सपोज 1,00,000 शेयर्स पूरे के पूरे खरीद लिए सब्सक्राइब करे। अब फुली पेड कब माना जाएगा बच्चों? फुली पेड तब माना जाएगा जब 100 रुपये जनता, शेयर 100 रुपये का था, 100 मांगे और 100 मिल भी गए। ये याद रखना, 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये मांगे और 100 मिल गए, तो ये फुली पेड होता है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि भैया 100 रुपये का शेयर है, हमने 100 रुपये मांगे थे, लेकिन एक शेयर होल्डर 90 ही दे पाया, एक चिंटू जो है। ठीक है, हमने कैसे कैसे पैसा मांगा था, लेट सपोज हम मान लेते हैं हमने पैसा वही मांगा था, पहले 10 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 40 रुपये। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चिंटू ने ये दे दिया था, लेकिन यहाँ पे इसकी कंडीशन खराब हो गई तो ये दे नहीं पाया 40 रुपये। फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई भाई, किसी की कभी भी बिगड़ सकती है, उसमें क्या है। तो चिंटू ने हमें 100 में से कितने दिए, 60 ही दिए, 40 रुपये वो नहीं दे पाया, तो इस शेयर को बोलेंगे नॉट फुली पेड। नॉट फुली पेड का मतलब सारा पैसा नहीं मिला। ठीक है, ऐसे ही चिंटी है, एक चिंटी है, 100 रुपये में से 100 रुपये मांग लिए, लेकिन चिंटी बस शुरू के 2 ही दे पाई, लास्ट के 2 नहीं दे पाई, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, कॉल्स नहीं दिए, तो चिंटी ने अभी 30 ही दिए, इसको भी नॉट फुली पेड ही बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 100 रुपये का शेयर है, अभी मांगे ही कितने हैं, 60 रुपये, और 60 मिल गए, तो कुछ बच्चे इसको फुली पेड में लिख देते हैं कि भैया 60 रुपये मांगे, 60 सारे तो मिल गए, तो फुली पेड है। नहीं बच्चों, फुली पेड कब तक नहीं होगा, जब तक 100 पूरा नहीं मांग लेंगे और 100 पूरा नहीं मिल जाएगा। जब तक शेयर जितने का है उस पे सारा पैसा नहीं मिलता तब तक वो फुली पेड नहीं है। हाँ, यहाँ पे 60 मांगे, 60 मिल गए, लेकिन क्या 100 मिले पूरे? नहीं मिले ना। जितने का शेयर है वो पैसा पूरा मिलना जरूरी है, जब तक वो पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो फुली पेड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, तो फुली पेड होने के लिए ये पूरे होने जरूरी हैं, जितने का शेयर है। जब तक ये पूरे नहीं होंगे, देखो यहाँ 30 हुए, यहाँ 60 हुए, यहाँ 60 हुए, तब तक ये फुली पेड नहीं है। परफेक्ट है, सही है, इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड नॉट फुली पेड। ये बात समझ गए? ठीक हो गया, नहीं हो गया? परफेक्ट सर, आ जाओ अब तुम्हें सिखाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है जर्नल एंट्रीज। इसकी जर्नल एंट्रीज में बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बट आई विल मेक श्योर कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो बेटा, कंपनी है, कंपनी ऑफर कर रही है 1,00,000 शेयर, कितने का एक है, 100 रुपये का एक है,
तो कंपनी को बेसिकली कितना पैसा चाहिए? कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, है ना। इस कंपनी में पैसा कौन लगाएगा? अलग अलग शेयर होल्डर्स लगाएंगे, ये अलग अलग शेयर होल्डर पैसा लगाएंगे ना कंपनी में, है ना। तो ये बेसिकली कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ओनर बनेंगे, ओनर्स हैं। अब मुझे बताओ, क्लास 11th में आपने सबसे पहली एंट्री सीखी थी, जब भी कोई ओनर किसी बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो एंट्री क्या होती है, बताओ जरा। जब भी कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हमने सबसे पहली एंट्री यही सीखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली एंट्री यही सीखी थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट सीखी थी या नहीं सीखी थी, है ना। बट अब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ये 1 करोड़ 1 करोड़ से एंट्री होनी है, बट अभी क्या होगा, हमने क्या बोला कि 1 लाख शेयर है, 100 रुपए का 1 है, बट ये 100 रुपए एक बार में नहीं, 4 बारी में लिए गए हैं, 10, 20, 30 और 40, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, इसको बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये ऐसे ब्रेक करके लिया गया है। अगर ब्रेक करके लिया गया तो पैसा तो पूरा 1 करोड़ ही होगा, लेकिन थोड़े थोड़े पार्ट्स में होगा। जैसे 1 लाख × 10, पहले 10 लाख रुपए मिलेंगे, फिर 1 लाख × 20 अलॉटमेंट पे 20 लाख रुपए मिलेंगे, फिर 1 लाख × 30 फर्स्ट कॉल पे 30 लाख रुपए मिलेंगे, फिर 1 लाख × 40 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 40 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 1 करोड़ हो गया या नहीं हो गया? देखो, पैसा तो 1 करोड़ ही इकट्ठा होगा, बिजनेस में तो 1 करोड़ ही लगेगा, लेकिन एक बार में नहीं लगेगा, 4 बार में लगेगा, तोड़ तोड़ के, क्योंकि कंपनी तोड़ तोड़ के पैसा ले रही है, तो हमें जो एंट्री करनी होगी वो भी तोड़ तोड़ के करनी पड़ेगी, सीधी सीधी सी बात है, है ना। तो एंट्री कैसे करते हैं, देखो एंट्रीज लिखो बच्चे अपने पास। सबसे पहली एंट्री जो होती है बाबू, उसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आया। टू, किसने दिया? जिस भी शेयर होल्डर ने दिया उसका नाम, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो हम क्या लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने एप्लीकेशन लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये किस चीज का पैसा है, एप्लीकेशन का, है ना। तो हमने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1 लाख शेयर पे 10 रुपए, 10 लाख 10 लाख। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मेरे पास इतना एप्लीकेशन आया। अब इसको क्या करो, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करो कैपिटल में, तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने लिख दिया शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो, आप अकाउंटिंग को जानते हो, अगर तरीके से देखा जाए, क्या ये एप्लीकेशन क्रेडिट से एप्लीकेशन डेबिट कट गया? एंट्री क्या बनी? बैंक टू कैपिटल ही बनी। क्या बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री यही होती है? बैंक टू कैपिटल बन गई या नहीं बन गई, है ना। बट क्योंकि हमें 4 अलग अलग एंट्रीज करनी है, चारों में दिखाना है कि कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा अलॉटमेंट है, कौन सा फर्स्ट कॉल है, कौन सा सेकंड कॉल है, तो नाम तो लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन का। तो हमने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और नेक्स्ट में क्या कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे आ जाएगा बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पे आ जाएगा बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। लिख लेना बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। ये पहले वाला एंट्री हो गया इस पर्टिकुलर 10 रुपए का। आई बात समझ में? हो गया ना, परफेक्ट है, डन सर। अब बच्चे, शेयर दो तरीके के हो सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो यहाँ आप इक्विटी या प्रेफरेंस लगा के चलोगे, जो भी शेयर होगा। अगर इक्विटी होगा तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लगा देंगे। मैं फिलहाल शेयर कैपिटल लिख रहा हूँ, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस लिख के चलेंगे। ओके, डन सर। अब देखो, ये पैसा बच्चों दिसंबर में आ गया। अब जनवरी में शेयर होल्डर को सपना तो नहीं आएगा कि भैया मुझे पैसा देना है, आपको उसको बताना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा कि भैया आपका पैसा ड्यू है, प्लीज अपना पैसा दे दो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैसा ड्यू करेंगे। पहले ड्यू करने का मतलब शेयर होल्डर को फोन करेंगे कि भैया आपका पैसा ड्यू है, पैसा दे दो। जब भी ड्यू करते हो पैसा, किसी से पैसा लेना है, तो वो एसेट बन गया आपका। सारे एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अभी पैसा आया नहीं है, आना है, इसीलिए हमने अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया कि मुझे अलॉटमेंट का पैसा लेना है। मिल जाता तो बैंक लिख देता, लेकिन अभी लेना है ना, एसेट है मेरा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमने क्या करा है,
अलॉटमेंट मनी ड्यू करा है बेटा, मिला नहीं है, ठीक है। कितना? 1,20,000, तो कितना हो गया, 20,00,000 रुपए लेने हैं मुझे यहां पे, सही है। जब ये मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,00,000, 20,00,000। अब देखो फिर से तुम समझदार हो, तुम्हें अकाउंट्स आती है, एक तरीके से अलॉटमेंट डेबिट से अलॉटमेंट क्रेडिट कट गया, एंट्री अभी भी बैंक टू कैपिटल ही हुई। हो रही है नहीं हो रही है, एंट्री वही होनी है बैंक टू कैपिटल, बट ऊपर एप्लीकेशन दिखाना था इसलिए एप्लीकेशन लिखा था, यहाँ अलॉटमेंट दिखाना था इसलिए अलॉटमेंट लिखा। बट याद रखना एप्लीकेशन पहले आ जाता है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कौन मेरा शेयर होल्डर है, मैं किस किस को कॉल करूंगा, तो एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले होती है। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, अब मुझे पता चल गया कि ये 10 20 50 100 लोग मेरे शेयर होल्डर हैं, मेरे पास सबका कॉन्टैक्ट आ गया, अब मैं उनको अलॉटमेंट पे कॉल करूंगा कि भैया पैसा दो, है ना। तो पहले कॉल करके मांगेंगे फिर पैसा मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ड्यू करी और रिसीव हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये अलॉटमेंट का काम हो गया, अब अगले महीने फिर फर्स्ट कॉल मांगना पड़ेगा। चलो वीडियो पॉज करो और बताओ मुझे फर्स्ट कॉल मांगने की क्या एंट्री होगी, फिर से फर्स्ट कॉल मांगना है और पैसा फिर ले लेना है, तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, क्योंकि कॉल का पैसा लेना है अब, टू शेयर कैपिटल, और जब मिल जाएगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब मिलेगा तो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 1,30,000, 30,00,000, 30,00,000, और जब मिलेगा तो फिर से 30,00,000, 30,00,000। अब फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कटेगा, एंट्री वही होगी बैंक टू कैपिटल, हो गई या नहीं हो गई, यहाँ पे लिख देना यही, बींग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बींग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, परफेक्ट। फर्स्ट कॉल के लिए हो गया बेटा जी, डन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं फाइनल कॉल पे, मांगते हैं सबसे पहले फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मांगने की क्या एंट्री बनेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल मांग रहे हैं 1,40,000, तो 40,00,000, 40,00,000, बींग फाइनल कॉल मनी ड्यू, फिर रिसीव हो जाएगा, तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी फाइनल कॉल से फाइनल कॉल कट जाएगा, एंट्री फिर से वही होगी बैंक टू कैपिटल, चारों ही केसेस में हमने एंट्री वही करी है, बैंक टू कैपिटल 10,00,000, बैंक टू कैपिटल 20,00,000, बैंक टू कैपिटल 30,00,000, बैंक टू कैपिटल 40,00,000, एक तरीके से बैंक टू कैपिटल 1,00,000 ही हुई है। बस फर्क क्या है, एप्लीकेशन बता दिया क्या है, अलॉटमेंट बता दिया क्या है, फर्स्ट कॉल बता दिया क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल बता दिया क्या है, तो दिस इज हाउ क्वेश्चन करा जाता है बेटा जी, बात समझे, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन होता है, सही हो गया जी। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल डन हो गया, फर्स्ट कॉल की एंट्री आपको समझ में आ गई, अलॉटमेंट की आपको समझ में आ गई, एप्लीकेशन की आपको समझ में आ गई, ये कुछ बेसिक्स हैं जो एंट्रीज में हम लोग यूज करने वाले हैं। आपको क्या करना है आज, आपको ये सारे बेसिक्स एक बार अच्छे से देखने हैं, सारे पढ़ने हैं, नोट्स अपने मैंने जितने भी बनवाए आज आपको सारे एक बार दोबारा से गो थ्रू करो, रीड करो, इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगली क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन शुरू कराऊंगा और क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और शेयर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा शेयर्स पढ़ के, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत आई, कोई डाउट आया बताना, उसको डिस्कस कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।